राधे राधे सभी को। और कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हो। और अभी शाम का टाइम होने वाला है तो मैंने सोचा थोड़ा सा शाम सामने से बात कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अगस्त्य को लेके कहाँ ट्यूशन। सो अभी 5:30 बज रहा है, बस निकलने वाली हूँ। चलो अगस्त्य, और मैं करूँगी बाहर 1.5 घंटे वॉक। ओके गाइस, सो ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है फ्राइडे की शाम को और ये चलेगा मंडे तक जाएगा। मतलब आज के दिन तक मैंने ब्लॉगिंग करी है। और क्योंकि आपको पता ही है कि एनिवर्सरी की वजह से ब्लॉग बहुत पीछे हो गए थे, है ना। अब हम प्रेजेंट डेज में आ गए हैं तो मैंने 3 दिन का पूरा, 3 से 4 दिन का पूरे जो अपडेट थे मेरे 4 दिन के, वो इसी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, ये अगस्त्य बोल रहा था ना कि मुझे भूख लगती है ये वो, ट्यूशन से पहले इसको स्नैकिंग, मतलब लंच तो करते ही है, 2 बजे स्नैक करा के ले जाते हैं। अभी क्या हुआ, एक दिन इसको भूख लग गई होगी बाई चांस से, तो वहाँ मैम ने बोल दिया बेटा टिफ़िन लेके आया करो। अब ये डेली टिफ़िन लेके आता है, 1.5 घंटे का क्लास होता है या हार्डली 1 घंटे 1.25 घंटे का, उसमें 15-20 मिनट ये टिफ़िन करने में निकाल देता है। हालाँकि भूख लगे ना लगे, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, बिस्किट नमकीन या कुछ भी। तो मैं यही बोलती हूँ कि मैम ने बस एक बार बोला ना, तब से बोलने लगा कि मैम ने बोला टिफ़िन लेके आना, टिफ़िन लेके आना। मैं सोचती 1 घंटे के लिए पढ़ाई के लिए वहाँ जाता है, उसमें 15 मिनट पढ़ाई करता है, 15 मिनट खेलता कूदता है और 15 मिनट उसमें ये टिफ़िन में करने में निकाल देता है। तो चाहे इसको मैं ट्यूशन ले जाने से पहले कुछ भी खिला के ले जाऊँ, लेकिन टिफ़िन उसको चाहिए तो चाहिए। तो ये आदत हो गई, उसको भूख वगैरह कुछ नहीं लगती है। सो डेली इसका टिफ़िन ट्यूशन वाला भी पैक होता है एक्चुअली में। तो आज मैंने इसको ब्रेड बटर ही दे दिया क्योंकि इसने ऑलरेडी अभी स्कूल ट्यूशन जाने से पहले नमकीन बिस्किट खा लिया है। अदरवाइज़ कभी एप्पल दे देती हूँ, कभी नमकीन बिस्किट देती हूँ, मोस्टली मैं एप्पल ही देती हूँ इसको। एक एप्पल चलो ट्यूशन के बाहर खा लेता है वहाँ पर, लेकिन आज एप्पल भी ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर नहीं दिया। और नमकीन बिस्किट इसने ऑलरेडी खा चुका है तो फिर मैंने कहा लो ये ब्रेड बटर ही दे देती हूँ। ये देखो मेरे कान्हा जी का दाल चावल कितना स्टाइलिश मैंने डेकोर किया। पता है कैसे किया? जैसे गरम चावल निकला था तो सबसे पहले मैंने इसी में निकाला था, ऐसे रख के दबा दिया और फिर अभी खिलाने जा रही हूँ ना उनको, ऐसे पलट दिया तो राउंड राउंड बन गया। अच्छा लग रहा है ना? तो चलो अभी हम खाना जो खिला देते हैं दाल चावल। और ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी जो बॉल से खेल रहे थे। चलो बॉल हटा देते हैं, अभी हम इनको दाल चावल खिलाते हैं। ओके चलो मैं खिला के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, मैं यहाँ 1/2 घंटे से खा रही हूँ अपना वाटरमेलन और देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से मैंने इसको खाली किया है। खाते खाते मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जो आज ब्लॉग जा रहा है ना उसकी ही मैं थंबनेल वगैरह बना रही थी, टाइटल वगैरह सोच रही थी, तो तब से मैं ये खा रही हूँ। दोपहर में बज रहे हैं 2, तो इस टाइम मेरा होता है जूस का टाइम, रेड जूस जो पीती हूँ, बट मेरे पास आज टाइम ही था एक्चुअली में बनाने का। तो मैंने कहा चलो वाटरमेलन ही खा लेते हैं। और खाते 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 मैं इतना नहीं खाती हूँ एक्चुअली में, वन टाइम में एक वाटरमेलन आता है आई थिंक 2 केजी का, वो 4 दिन चलता है। इवन मैं और अगस्त्य दोनों लोग जूस पीते हैं तो चलता है, बट आज जूस ही नहीं बनाया मैंने, मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि मुझे ब्लॉग डालना ज़रूरी था। फिर वो ब्लॉग डालते डालते कब 3 बज जाता पता नहीं चलता और फिर चाय का टाइम हो जाता 1 घंटे बाद। तो मैंने कहा कि रहने दो आज यही खा लेते हैं। अब ये इतना हल्का होता ही है फ्रूट के खाते खाते, मतलब कब हो कहाँ चला गया पता नहीं चला, और इतना मीठा है, मज़ा आ गया खा के। और पेट मेरा ऐसा फूला है इस टाइम पे भर के। सबसे ज़्यादा अगर
जो क्या कहते हैं वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जो खाना नहीं खा पाते हैं या बाहर गए हैं जिनका लंच टाइम स्किप हो जाए, सच में कोई भी फ्रूट इतना पेट नहीं भरता जितना वाटरमेलन भर देता है अगर आप वाटरमेलन खाते हो। चलो मैं ब्लॉग डाल दूं फिर मिलती हूँ आपसे, नहीं तो लेट हो जाएगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग, संडे का टाइम है, बना रही हूँ उपमा। बहुत टाइम बाद बन रहा है उपमा यार, कब से नहीं खाया। बनाना था पोहा बट पोहा ख़त्म हो गया तो फिर उपमा बना लिया। अब ये उपमा मैं दो तरीके से बनाती हूँ, एक तो खूब सारी वेजीज वाला बनाती हूँ है ना, और एक से मूंगफली मटर और प्याज का बनाती हूँ। तो ये वही बन रहा है प्याज मूंगफली और मटर वाला, इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया, इससे ना उपमा बहुत अच्छे से बनता है। गर्म पानी डालो आप तो बहुत बढ़िया बनता है एक्चुअली। ये भैया उमेश आ चुका है। नहीं चाचू ने इधर ही रख दिया, चाचू आते हैं ना इधर तो वो रोज रोज कहाँ से लेके आएंगे घर से कपड़े, तो इधर ही रख दिया, इधर ही आएंगे। हाँ तो इधर जब भी आएंगे तो पहन लेंगे। सो मैंने ढक दिया और देखिए हमारा उपमा कितना बढ़िया तरीके से बना। अभी थोड़ा सा और इसको सुखाएंगे। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मुझे कैमरा लगा देना चाहिए था, मैं भूल गई, फिर बाद में लगाया। अब इसको बनाया कैसे, मैंने जस्ट सूजी को थोड़े से सरसों के ऑयल में हींग डाल के फ्राई किया, लाल कर लिया, उसको निकाल दिया एक प्लेट में। उसके बाद फिर सरसों के तेल में राई डाला, चना डाला, और उसके बाद मूँगफली और मटर और प्याज ये सब फ्राई करके, और हरी मिर्च तो बिल्कुल ना भूलना, छोटा छोटा फ्राई करके, उसके बाद फिर सूजी डाल के और गर्म पानी डाल दिया। बहुत ही इजी है, बस ट्रिकी ये रहता कि गर्म पानी डालोगे ना तो बहुत बढ़िया बनता है। गर्म ठंडा पानी डालते हो ना तो कभी कभार क्या होता है ना, सूख जाता है पानी एकदम से, क्योंकि बहुत जल्दी सूखता है पानी इसका उपमा का, और फिर वो दाना दाना उठा उठा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए अभी मैं सर्व कर रही हूँ, तीनों जन खाएंगे। अभी आज संडे है और आज अगस्त्य का प्लानिंग है स्विमिंग पूल जाने का, 4 बजे जाएगा वो। सो मैं भी उपमा बहुत टाइम बाद खा रही, मुझे याद भी नहीं मुझे लास्ट मैंने कब खाया था, क्योंकि ड्यूरिंग द वेट लॉस 6 महीने से तो नहीं खाया मैंने। सूजी मैंने स्किप करी थी, मैं बहुत ज़्यादा बेसन के चीले वगैरह ले रही थी ना, तो 6 महीने के बाद मैं सूजी का कुछ खा रही हूँ। मैंने सूजी का कुछ भी नहीं खाया है ड्यूरिंग आर वेट लॉस। तो ये रेडी हो गया हम तीनों का उपमा, और अभी हम इसे खाएंगे और फिर देखेंगे। और संडे का दिन एक ऐसा होता है कि बहुत आराम से आप सबके साथ बैठ के खाना खा लेते हो, ब्रेकफास्ट कर लेते हो, तो ब्रेकफास्ट इतना हैवी हो गया है तो खाना हमारा 4 बजे तक ही होगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, चाय का टाइम है, 3:30 4:45 बज रहा है, तो सोचा चलो बर्तन लगा लेते हैं। आज सर में ऑयल भी लगाया है मैंने, आपको दिख रहा होगा। एंड आप लोग बोल रहे थे कि मैं डेली डाला करूँ वीडियो, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ, मतलब ऑल्टरनेट डेज में भी कई दिन 2 दिन भी हो जाते हैं, 2 दिन बाद आता है, और मैं कोशिश करूँगी डेली अपलोड करने की। सो अभी मैंने शाम की चाय चढ़ा दी है और ये इसको लेके जाएंगे क्लब हाउस स्विमिंग पूल में, वही 4 से 8 रहता है, मतलब वहाँ की टाइमिंग है, सुबह 9 से 12 का एक स्लॉट होता है, जा सकते हो, उसके बाद फिर बंद हो जाता है 12 से 4 के बीच में, फिर 4 से 8। तो मैंने कहा 4 से 8 ठीक है, सुबह सुबह कहाँ इतना टाइम रहता है यार, ऐसे ही बच जाता है 9, 10, 11, तो खाते खाते 4 और। सो अभी हमने लंच किया है 3:30 बजे जस्ट, तो अब इनको चाय पीनी थी तो मैंने कहा लो बना देते, मैं तो चाय पीऊँगी नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद चाय वाय नहीं पीते हैं, बट क्योंकि इन्हें लेके जाना है अगस्त्य को, तो मैंने कहा लो पी लो, मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने कहा मेरा टाइम वेस्ट होगा वहाँ खड़े खड़े, मेरा वॉक आज क्योंकि संडे का वैसे ही रहता है, कोई योगा कोई रूटीन नहीं रहता मेरा, तो इसीलिए मैंने कहा अभी मैं वॉक कर लूँगी, क्योंकि फिर रात में मैं मुझे आलस आ जाएगा तो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो ये चले जाएंगे 4:30 बजे तक वहाँ पे, और मैं 4:30 से 5:30 और 6 बजे तक 1.5 घंटा आराम से वॉक कर लूँगी। सो यहाँ पे दाल वाल भी रखी हुई थी बहुत दिन की, वो मैंने कहा डब्बू में डाल दें। सो आज प्लानिंग ये भी थी, मतलब संडे की आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आज आज बोल रही हूँ, अदरवाइज़ कल के लिए बोल रही हूँ कि सामान लेने भी जाना था, राशन वगैरह इस मंथ का मार्च का आया ही नहीं है, मतलब समझ लो क्योंकि चीज़ें बहुत सारी थी, मैंने कहा ख़त्म हो जाए तो फिर, क्योंकि आटा वगैरह भी ख़त्म हो गया, अब इनके पास गाड़ी ही नहीं थी, कार इन्होंने वहाँ दे दी थी सर्विसिंग के लिए, फिर वो प्लान भी कैंसिल हो गया। अब अगले संडे जाएंगे, इस बार मैं ही जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है, वहाँ से ही आता है मेरा तो राशन, पतंजलि स्टोर से आता है, और जो बचा कुचा रहता है
वो मेरा जियो ऑनलाइन से आ जाता है। डी मार्ट वगैरह तो बहुत कम जाती हूँ मैं, हार्डली गई तो गई, ऐसी चली गई। अभी लास्ट टाइम जब इसके घर में पहनने वाले कपड़े लेने थे तब गई थी मैं। तो बहुत सारे लोगों का राशन डी मार्ट से भी आता है, पहले मैं भी लेती थी जब जियो के बारे में नहीं पता था। तो जियो ऐप काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा सामान आ जाता है उससे, अफोर्डेबल है, महंगा नहीं पड़ता है, उतना ही पड़ता है। ये मैंने छिले हुए लहसुन मंगाए थे। सो यहाँ पे मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ खुद की मंचिंग के लिए, और क्योंकि अभी मुझे वॉक पे भी जाना है। और चलिए अभी सीधे चलते हैं हम मंडे के दिन, और सुबह का टाइम है, स्कूल है अगस्त्य का, तो मैंने आज उसके लिए पुलाव बनाया, क्योंकि उसने रात में ही बोल दिया था मम्मा राइस पुलाव लेके जाऊंगा टिफ़िन में। तो मैंने कहा ठीक है, तो रात में ही मैंने मटर वगैरह छील के रख दी थी, बहुत ही सिंपल, जीरा डाल के हल्दी डाल के बनाए हैं, और ये रायता भी तड़का लगा दिया है। इसमें मैंने सेव डाल दिए ताकि वो खा ले, दही खाते ना खाता नहीं है ना, तो उसको ये आलू भुजिया बहुत पसंद है ये वाली, तो मैंने ऊपर से डाल दिया तो ये खा लेगा। सो जब भी ऐसी कोई चीज़ बनानी हो ना, लाइक इडली वगैरह, या तो रात में ही तैयारी कर लो तो फटाक से सुबह बन जाता है, क्योंकि इसका स्कूल ही 8:20 का है। तो गाइज़ बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को प्लीज़। एंड आगे का व्लॉग इफ़ यू विश आप देख सकते हो, जस्ट मैंने अगस्त्य का कुछ क्लिप डाला है। इधर गिन आके, इधर ही गिन के दिखा, 12 + 12 19 कैसे हुआ? इधर आ, आया देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, 12 किया, इधर तक 12 हुआ है ना, तो फिर इधर से गिनेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 12 + 12 19 नहीं होता है बेटा, देख ऐसा एक तरीका है, इधर आ, इसको इसको ऐड करना है ना, ऐड करना है ना, हाँ। तो 12 इधर लिखा और अच्छा सॉरी, चलो 1 2 अभी ठीक है, अरे तू कंफ्यूज है, इधर करती हूँ 1 2 12 में 12 प्लस करना है ना, हाँ। तो हम इधर लिख देंगे 12 प्लस, ठीक है, ये प्लस का निशान है, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 कितना होता है बता, 4 होता है ना, हाँ। तो 24 क्यों बोल रहा था, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, 2 + 2 4, और ये 1 प्लस ये कितना होता है, 2 होता है ना, हाँ। तो ये देख, इधर देख, इधर देख, ये देख, ये 1 + 1 2 हो गया 24, हाँ। हुआ कि नहीं, हुआ। हट ऊपर का देखने दे, 10 + 10 20 99 + 100 100 प्लस, बेटा थोड़ा इधर का लिखना, अभी मैं समझ गई 200 है, लेकिन मैम देखेगी तो सोचेगी 20 है, थोड़ा इधर को लिखना, 0 दिख ही नहीं रहा है, आधा दिख रहा है ना, टीचर नहीं मानेगी, मामा मान जाएगी कि 0 है, टीचर बोलेगी 20 लिखा है, वो 0 नहीं काउंट करेगी। चल फिर से लिखिए, रब कर, हाँ मैं बताऊं, हाँ। ये हुआ है 110, हाँ तुझे लिखना था 110, हाँ। This is not right.
बेटा तो अपनी क्लास से थोड़ा ऊंचा ही जा रहा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं जैसे टीचर पढ़ाए वैसे ही तो फिट कर अपने दिमाग में तूने अपने दिमाग से तो 110 सही लिखा था। ऐसे नहीं लिखते, मैं बता। नीचे लिख दे, नीचे से भी होता। ये तू मेरा टेस्ट ले रहा है क्या? हाँ। ओके 100 100 100 प्लस त्रिभुज, इसको तू त्रिभुज बोलता है। ओके चल 300 हुआ है। 300? हाँ लिख 300। 32। वेरी गुड। अभी आजकल त्रिभुज पढ़ा, हम लोग तो इज इक्वल टू बोलते थे इसको, पता नहीं क्या। हम चाटी नहीं। अब हो गया मेरा टेस्ट, तू अपना होमवर्क कर। चल स्कूल किया? स्कूल में किया? हाँ, और तू? 23 20 10 10 20 22 स्कूल में क्या है तो गलत कैसे लिख रहा है? 10 और 20 और 23 ये नहीं, 20 20 20 20 पापा ये तो 20, ये 20 हो गया। 20 20 23 क्या है 20 23? ये ईयर का नाम बता रहा है तू? ये क्या है? ये स्कूल में बताया तुझे? हाँ। स्कूल में आज क्या बताया? स्कूल में किस चीज के लिए बताया? ये 2023 तो ईयर है, ये साल है, और आज 10 तारीख तो है नहीं है। चल ठीक है, जो बताया तो समझ गया ना, अब मैं क्यों तेरा दिमाग में उल्टा सीधा डालूं। ठीक है मैम ने जो बताया ठीक है, समझा है ना तू? ठीक है चल अभी बैग लगा अपना।